गाइस, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखे होंगे, जिनमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा मजेदार होते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ डेस्टिनेशन ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के कुछ ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन दिखाऊंगा जिन्हें देखने के बाद आप लाइफ में एक बार वहां जरूर जाना चाहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस अट्रैक्शन, जिसमें सबसे पहले है वाटर होल इन पुर्तगाल झील। गाइस, इस वाटर होल को देखने के बाद आपका दिमाग घूम गया होगा और इसे देखते हुए आपको ऐसा लग रहा होगा मानो कि आप कोई साइंस फिक्शन मूवी देख रहे हो। पुर्तगाल की एक लेक में बना हुआ ये होल किसी भी इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि ये नेचुरली ही बना हुआ है, और इसका गोल शेप देखने के बाद आप इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि ये होल नेचुरली बना हुआ है। लेक में इस होल से ऊपर जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो सारा पानी इस होल के अंदर ही चला जाता है। इस होल को सेंटर ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है, और वहाँ के आसपास के लोग ऐसा मानते हैं कि ये किसी दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। नेक्स्ट बिगेस्ट स्विंग इन द वर्ल्ड, गाइस, चाइना में बना हुआ ये स्विंग दुनिया का सबसे बड़ा स्विंग है, जिसे रेनबो स्विंग के नाम से भी जाना जाता है। इस स्विंग के एडवेंचर का मजा लेने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं, जो कि ये स्विंग पहाड़ों के बीच एक नदी के किनारे बना हुआ है और ये जमीन से कई मीटर ऊंचाई पर मौजूद है। इस पर स्विंग करने वाले व्यक्ति को देखने पर ही डर लगता है, ऐसा लगता है मानो कि अगर इसके दोनों साइड की रस्सी टूट जाती है तो इस पर स्विंग करने वाला व्यक्ति पहाड़ों पर ही कहीं खो जाएगा। ये स्विंग इतना ज्यादा खतरनाक होने के बाद भी दुनिया भर से लाखों लोग इसे देखने आते हैं। ऐसे ही सेम केक स्विंग में भी होता है, जहाँ पर पहाड़ों के बीच में दो बड़े से बड़े पोल्स को लगा दिया जाता है और उन पोल्स के बीच में किसी व्यक्ति को बैठाकर पहाड़ों की सैर कराई जाती है। इस रेनबो स्विंग में किसी व्यक्ति को लिटाकर स्विंग कराया जाता है, लेकिन क्लिफ स्विंग में किसी व्यक्ति को चेयर पर बैठाकर उसे स्विंग कराया जाता है। आपको इन दोनों स्विंग में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा स्विंग लग रहा है, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट है माउंटेन स्लीप। गाइस, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे डेंजरस डेस्टिनेशन देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि भी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने लिए डेंजरस डेस्टिनेशन खुद ही बना लेते हैं? जैसे ये माउंटेन क्लाइंबर्स हैं जो कि माउंटेन की ऊंचाई पर जाकर वहाँ पर अपना कुछ इस तरह से लटकता हुआ तंबू बनाकर तैयार करते हैं और इसी जगह पर अपनी पूरी रात बिताते हैं। माउंटेन्स पर चढ़कर इस तरह से सोना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इस बात का तो अंदाजा आप खुद लगा ही सकते हैं। नेक्स्ट है स्काई बाइक्स। गाइस, क्या आप पहाड़ों से भी ऊंचाई पर साइकिल को एक केबल के ऊपर चला सकते हैं? ऐसा करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप मैक्सिको जाकर ये राइड ले सकते हैं। यहाँ पर दो पहाड़ों के बीच में केबल्स को लगा दिया गया है और आप साइकिल के ऊपर बैठकर इस पर चल सकते हैं। इस पर चलना किसी खतरे से कम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है। इस साइकिल को दूसरी चेन से और केबल से प्रॉपरली बांधा जाता है और फिर उसके बाद आपकी सेफ्टी के लिए आपको साइकिल से और एक केबल से भी बांधा जाता है, जिससे किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना होने के चांसेस ना रहे। नेक्स्ट है डेविल्स पूल। गाइस, ये दुनिया की सबसे डेंजरस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ पर दुनिया भर के लोग इस पूल में नहाने जाते हैं। इस वाटरफॉल को विक्टोरिया फॉल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से कई मीटर है। ये डेविल्स पूल किसी भी इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि नेचुरली बना हुआ है। ये डेविल्स पूल इसलिए इतना ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी के लिए किसी भी चीज को नहीं लगाया गया है। अगर किसी का भी इस पूल से पैर भी फिसलता है तो वो इस वाटरफॉल के साथ कई फीट गहरी खाई में जा गिरेगा और फिर इसके बाद उसका बच पाना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होगा, इसीलिए इस पूल को डेविल्स पूल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ग्लास ब्रिज। गाइस, जब भी आप पहाड़ों पर जाते होंगे तो आपने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आपको कहीं पर भी कोई कांच का ब्रिज देखने को मिलेगा, क्योंकि पहाड़ों पर मजबूती के लिए लोहे के या लकड़ियों के ब्रिज को बनवाया जाता है, और जैसे ही पहाड़ों पर कांच के ब्रिज का नाम सुनने को मिलता है, वैसे ही मन में सबसे पहले एक ही ख्याल आता है कि ये ब्रिज तो ज्यादा मजबूत नहीं होगा और ज्यादा लोगों के एक साथ खड़े होने से ये टूट भी सकता है। तो इसी चीज का मजाक बनाने के लिए चाइना में इस ग्लास ब्रिज को बनाया गया, जिसमें LED का यूज किया गया है, जहाँ पर कोई भी इस ग्लास के ऊपर पैर रखता है तो इसके नीचे का ग्लास ऐसा दिखाई देता है मानो कि ये टूटने वाला है, लेकिन ऐसा सिर्फ ये LED की वजह से होता है। एक्चुअल में ये ग्लास इतना ज्यादा मजबूत है कि इसके ऊपर अगर आप हथौड़े से भी मारेंगे तो भी ये ग्लास नहीं टूटेगा। नेक्स्ट है वेव पूल। गाइस, आपने समुद्र में बहुत सारी बड़ी से बड़ी वेव्स को देखा होगा, तो इन वेव्स में भी नहाना कुछ लोगों को इतना ज्यादा पसंद होता है कि वो कुछ इस तरह के वेव पूल में जाना पसंद करते हैं। इस स्विमिंग पूल में आर्टिफिशियल वेव्स को बनाया जाता है। ये पूल चाइना में मौजूद है, जो कि दुनिया भर में इतना ज्यादा फेमस है कि एक सीजन में लाखों लोग इस स्विमिंग पूल में नहाने आते हैं, और गर्मियों के समय में ये स्विमिंग
पोल तो हाउसफुल ही रहता है। इसमें बनने वाली आर्टिफिशियल वेव किसी रियल वेव से कम नहीं होते हैं। नेक्स्ट है फ्लोटिंग रोड ब्रिज। गाइस, ये ब्रिज दुनिया के सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रिजेस में से एक है। जिस ब्रिज के ऊपर से जब गाड़ियां चल के जाती हैं, तो ये देखने में वाकई में अमेजिंग लगता है। इस ब्रिज को पानी की बिल्कुल सतह पर बनाया गया है। जब भी इसके ऊपर से कोई गाड़ी जाती है तो पानी में भी उसकी वेव गाड़ी के साथ ही साथ चलती है। गाइस, नेक्स्ट है हैंगिंग ब्रिज। गाइस, ये ब्रिज देखने में आपको जितना ज्यादा मजेदार लग रहा है, ये ब्रिज उतना ही ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इस ब्रिज को कई मीटर गहरी खाई के ऊपर बनाया गया है। इस ब्रिज के ऊपर चलने के लिए आपको सभी सेफ्टी दी जाती है, लेकिन जब आप इस ब्रिज के बीचों बीच जाकर जमीन की तरफ देखेंगे तो आपको एक बहुत ही गहरी खाई नजर आएगी, और वहाँ देखने के बाद तो आप इस ब्रिज के ऊपर चल ही नहीं पाएंगे। इसी हैंगिंग ब्रिज के ऊपर एक ऐसा डेंजरस इंसिडेंट हो चुका है, जहाँ पर एक व्यक्ति इस ब्रिज के ऊपर सेफ्टी पिन लगाकर चलता हुआ चला जाता है, और जैसे ही वो इस ब्रिज के एंड में पैर रखता ही है कि उसकी ये सेफ्टी क्लिप निकल जाती है। अगर ये सेफ्टी क्लिप दो सीढ़ी और पहले निकली होती तो शायद ये व्यक्ति कई फीट गहरी खाई में जा गिरता। वैसे गाइस, आपको इन सभी डेंजरस डेस्टिनेशन में से सबसे ज्यादा बेस्ट डेस्टिनेशन कौन सी लगी, और अगर आपको इनमें से किसी भी जगह पर फ्री में घूमने का मौका मिले तो आप किस जगह पर जाना चाहेंगे, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।